तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ वो मैं मेडिकल थंडर के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग मेडिकल थंडर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये जो वीडियो है अपना मेडिकल थंडर, मेडिकल थंडर 2.8 क्रैक वर्जन। हम लोग मेडिकल थंडर का जो 2.8 का जो क्रैक वर्जन है, उस क्रैक वर्जन को कैसे यूज करने वाले हैं और क्रैक वर्जन का यूज करके कैसे हम लोग मोबाइल फोन को रिपेयर करेंगे, इसके बारे में मैं आपको वीडियो आज मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको वीडियो को इंस्टॉल करने के लिए आपको बताया था कि वीडियो को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। उसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मुझे पॉजिटिवली रिप्लाई किया हुआ है, या एक लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला हुआ कि सर आपके लिए बड़ा स्पेशल थैंक कि आपने मुझे वीडियो दिया हुआ है, इसके माध्यम से मुझे इसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, मुझे अगला पार्ट का भी दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि व्हाट्सएप पे भी बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आगे का भी वीडियो दूंगा ताकि आप इन सब चीज़ों को सीख सकें और सीखने के बाद बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो आज जो मैं वीडियो देने वाला हूँ वो मेडिकल थंडर के बारे में, कि मेडिकल थंडर का 2.8 जो क्रैक वर्जन है उसको इंस्टॉल भी कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद जो हमने क्रैक कर लिया, क्रैक करने के बाद अब उसको यूज कैसे किया जाएगा, उसका उपयोग कैसे करना है, उसके बारे में मैं आज आपको वीडियो देने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के संबंधित आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। जो ऐसे आपके जैसे स्टूडेंट हैं जो वीक हैं या इस लाइन में काम कर रहे हैं लेकिन कई सालों से काम करने के बावजूद भी आज वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर उनको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है तो वो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा कंप्लीट कोर्स का ट्रेनिंग लेकर के जा सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों चलो चलते हैं इसको कैसे सीखेंगे इसके बारे में, मेडिकल थंडर के बारे में। सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप में देखेंगे, ये हमारा आइकन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसे हम ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर खुल करके आ जाएगा और ये सॉफ्टवेयर के मदद से हम लोग कैसे काम करेंगे ये आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे मेडिकल थंडर का जो टूल है ये ओपन हो चुका है। सबसे पहली बात क्या होता है, ये हमारा कनेक्ट का बटन होता है, जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका बॉक्स कनेक्टेड होता है। बॉक्स कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर स्टार्ट का फीचर है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टॉप करेंगे ऐसे स्टॉप हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में अलग अलग जो CPU होते हैं, CPU करने का तरीका इसके अंदर दिया होता है। क्या दिया होता है देखिए, सबसे पहली बात आप देखेंगे यदि आपके पास कोई MediaTek का मोबाइल फ़ोन आता है तो यहाँ पर आप MediaTek का मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। सर वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा जूम करके दिखाइए हमारे स्टूडेंट को, ताकि इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लियरिटी दिखाई पड़ जाए कि सर वीडियो में क्या क्या सर दिखाना चाहते हैं और हमको क्या देखना है। तो ये दोस्तों MediaTek का जो CPU होता है, MediaTek के CPU को हम लोग यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद यदि SPD का CPU होता है तो SPD के CPU को आप यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपका क्वालिकॉम का CPU होता है तो क्वालिकॉम का CPU को रिपेयर कर सकते हैं। यदि सैमसंग का होता है तो यहाँ से सैमसंग कर सकते हैं, एंड्रॉयड कर सकते हैं, कूल सेंड है और तुम्हारा और भी सारे हवाई का भी कर सकते हैं। बाकी हमारा ब्लैकबेरी है, ये सब चीज़ें तो बंद हो गई फिलहाल, अब उसका कोई यूज नहीं है। तो इतने सारे मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि पहले जो हमने डोंगल में बताया था उसमें सबका अलग अलग सेक्शन था, कि जैसे क्वालिकॉम का अलग दिया हुआ था, MediaTek का अलग दिया हुआ था और अपना सैमसंग के लिए अलग दिया हुआ था, उसी तरीके से इसमें ऐसा ना करके कंपनी ने पूरा एक साथ पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया है। बस आपको जो काम करना है उसको वन वन करके सिलेक्ट कर लीजिए और काम कर लीजिए। तो बहुत अच्छा टूल है कि बाकी जैसे उसका अलग अलग दिया हुआ था लेकिन इसमें एक साथ दिया है, तो इसलिए क्या होता है जो ऐसे पर्सन है जो सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा ईजी है, आसानी से उसको यूज कर सकते हैं, आसानी से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे और यूज करने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, हम अपने बैक स्क्रीन पर चलते हैं। अगर आपके पास कोई क्वालिकॉम कंपनी का मोबाइल फ़ोन आ जाता है तो क्वालिकॉम कंपनी के मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने के लिए आपको क्वालिकॉम में जाना पड़ेगा। जब आप क्वालिकॉम में चले जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर ब्रांड ले लेंगे ओप्पो,
ओप्पो का मान लिया A37, A33 कोई भी फ़ोन आ गया आपने ले लिया। लेने के बाद आप जब कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे, पोर्ट बनाएंगे, तो फ़ोन आपका कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका पोर्ट लिख करके आ जाएगा। यहाँ पर क्वालिकॉम COM3 COM SH ऐसा पोर्ट बन के आ जाएगा। जब पोर्ट बन के आ जाएगा तो अब आप उसमें क्या करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला फीचर दिया हुआ, जैसे अनलॉकिंग का, रिपेयर का, फ्लैशिंग का, रीड फॉर्मेट का, एक्स्ट्रा का, ऐसे बहुत सारे फीचर इसमें दे रखे हैं। अब आप क्या करेंगे, रीड एंड फॉर्मेट पर जाएंगे, तो रीड एंड फॉर्मेट पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर रीड पैटर्न का ऑप्शन आता है। इसमें से जो भी सारे ऑप्शन आते हैं आपको क्या करना है, रीड पैटर्न पर टिक किया। रीड पैटर्न टिक करने के बाद रीड पैटर्न पर ऐसे टिक लगाया, उसके बाद स्टार्ट कर दिया। जैसे आप इसको स्टार्ट कर देंगे, तो स्टार्ट करने के बाद टिक किया, स्टार्ट कर दिया, फोन बोलेगा फोन प्लीज सेलेक्ट पोर्ट फर्स्ट, मतलब पहले फोन को कनेक्ट करा दीजिए, पोर्ट को सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे पोर्ट सिलेक्ट करके स्टार्ट करेंगे तो और आपके मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर चलेगा और यह पैटर्न रीड करके बता देगा कि आपके मोबाइल फोन में पैटर्न क्या है। लेकिन ये उसी का पैटर्न रीड करके बता सकता है जो 6.0 से नीचे, जो 6.0 से नीचे है उसी का पैटर्न रीड करके बता सकता है, जिससे क्या होगा कि हम लोग उसका पैटर्न रीड कर सकते हैं, उससे ऊपर होगा तो नहीं कर पाएगा और इसके अंदर फीचर उसका ऐड नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रीड पैटर्न का, यहाँ पर करेंगे। उसके बाद रीड पार्टीशन कर सकते हैं, वाइप डाटा सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे तो वाइप हो जाएगा, फोन फॉर्मेट हो जाएगा। फ्लैशिंग करना चाहें तो फ्लैशिंग के लिए यहाँ पर फाइल लोड कर सकते हैं। कैसे फाइल लोड करते हैं, जैसे मान लिया आपके पास कोई MI कंपनी का फ़ोन आ गया, तो यहाँ पर आप Xiaomi पर जाएंगे, कहीं Xiaomi देखिए, कहीं Xiaomi लिखा हुआ है, ये Xiaomi आ गया। Xiaomi के बाद कौन सा मोबाइल फ़ोन करना चाहते हैं, जो मोबाइल फ़ोन करना चाहते हैं आप चाहे तो मॉडल ले लीजिए, MI 5A, 5A का मेरे पास फ़ोन है, हम मॉडल को ले लिया। मॉडल लेने के बाद जो हम फ्लैश करना चाहते हैं तो यहाँ पर रॉ पैच पे जाएंगे, आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, वो पूछेगा फाइल कहाँ रखी है, तो हम बोलेंगे फाइल हमारी कहाँ रखी हुई है, तो हम लोग माई कंप्यूटर में जाएंगे, सॉफ्टवेयर में जाएंगे, ईटेक सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, फ्लैश फाइल में जाएंगे, फ्लैश फाइल के अंदर Xiaomi में जाएंगे, Xiaomi के अंदर देखिए MI 5A की फाइल पड़ी है, इसे ओपन करेंगे, रॉ 0, ये फाइल हमारी लोड हो गई। उसके बाद इसमें जाएंगे, फिर पैच 0 ले लेंगे, तो हमारी दो फाइलें लोड करनी पड़ती है, रॉ 0 और पैच 0। तो क्वालिकॉम CPU को फ्लैश करने के लिए दो फाइलों की आवश्यकता है, रॉ 0 पैच 0, रॉ 0 पैच 0 दोनों फाइलों को लोड कर देंगे। लोड करने के बाद उसके बाद आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देंगे, जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देंगे ऐसे, तो बोलेगा प्लीज सेलेक्ट पोर्ट फर्स्ट, मतलब पहले फ़ोन को कनेक्ट कर लीजिए, पोर्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे पोर्ट सिलेक्ट कर देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे आपके फ़ोन में फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपका मोबाइल फ़ोन फ्लैश होना चालू हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन में फ्लैश हो जाएगा, पूरा सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा, पूरा सॉफ्टवेयर लोड होने के बाद हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन को फ्लैश कैसे किया जाएगा, या उस मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करने का क्या तरीका है। तो ये मैंने क्या बताया कि क्वालिकॉम CPU को फ्लैश करने का तरीका क्या है। यदि आपके पास कोई MediaTek CPU आ जाता है या SPD CPU आ जाता है तो SPD CPU को यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं, या MediaTek मोबाइल फ़ोन आता है उसको आप मोबाइल फ़ोन में फ्लैश कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से फाइल लोड करके मोबाइल फ़ोन की फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो ये सर्विसेस दिया हुआ है कि आप फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हैं, और SPD CPU का मोबाइल फ़ोन आता है, सैमसंग के छोटे कीपैड मोबाइल फ़ोन आते हैं, आप यहां से रीड अनलॉक पर क्लिक करके जैसे आप स्टार्ट कर देंगे तो ये पासवर्ड को रीड करके बता देगा कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर पासवर्ड क्या लगा है। मतलब जैसे आपने पासवर्ड 90 13 25 26 जो भी आपने पासवर्ड लगा रखा है वो पासवर्ड को रीड करके बता देगा भाई उसके अंदर पासवर्ड क्या है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फीचर है, आप इसे यूज करेंगे कि जितने भी सारे कीपैड फ़ोन आते हैं अगर उसको फॉर्मेट करना चाहते हो फॉर्मेट पे क्लिक करके आप स्टार्ट कर देंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। ऐसा भी ये सारी चीज़ें फीचर का आप यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप क्वालिकॉम है, SPD है, MediaTek है, एंड्रॉयड है, सैमसंग है, जो भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उसको फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट FRP करना चाहते हैं, तो सारे काम को इसके माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको जो आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो मेडिकल थंडर जो टूल आता है, मेडिकल थंडर टूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेडिकल थंडर टूल को यूज कैसे करेंगे, उसका यूज करने का तरीका क्या है, इसके बारे में आपको बताया हुआ है।
तो वीडियो में आपको कैसा समझ में आया, वीडियो को आपके सारी चीज़ें समझ में आई, मेडिकल थंडर टूल के बारे में आपको समझ में आया, या ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग दोस्तों लोग सारे लोग जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो वीडियो वॉच करने के बाद, वीडियो तो वॉच करिए, वॉच करने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करिए। और एक अपना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना कॉपी पेन डायरी का नोट्स बना लेते हैं, एक एक चीज़ों को जो मैं समझाता हूँ उनको नोट भी कर लेते हैं। तो वीडियो में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करिए और उसको समझिए। तो दोस्तों की जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि हम मेडिकल थंडर का कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में आपको पूरा वीडियो दिया हुआ है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए और मैसेज करिए। और अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग संबंधित अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 6391711711, 6391711711। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और कभी भी अगर आप दिन में फ्री होते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास चलता है, जब 8 बजे से लेकर 6 बजे तक क्लास चलता है, तो पूरे दिन में जब भी आप फ्री होते हैं तो फ्री होने के साथ साथ वीडियो कॉलिंग करें। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप ये देखें कि कैसे मोबाइल फ़ोन की क्लासेस चल रही हैं, कैसे आपको बिल्कुल सिखाया जा रहा है, सर आपको कैसा ट्रेनिंग दे रहे हैं, या मैं आपको कैसे क्लास करा रहा हूँ, या और भी जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट कैसे क्लास कर रहे हैं, वो लोग अपना कैसे काम करेंगे, उसके बारे में आप वीडियो के माध्यम से आप पूरा देख सकते हैं। और देखने के बाद अपने आप को दिल के लिए सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं कि अगर मैं सर के पास ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा, सीखने के लिए जाऊंगा, वहाँ पर रहने की कैसी व्यवस्था होगी, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या वहाँ पर और भी सारे स्टूडेंट हैं वो किस तरह से सीख सकते हैं, किस तरह से सीख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप वीडियो के माध्यम से आप देख करके वीडियो कॉलिंग में आप देख सकते हैं और अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि सर के पास हमको जाकर के ट्रेनिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात का एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है जो बाहर से ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या ट्रेनिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सीखने के लिए 5 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन बहुत नियर अबाउट है, कि कानपुर रेलवे स्टेशन जस्ट पास में, मुश्किल तो 200-300 मीटर दूरी पर पड़ता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है सागर मार्केट, जहाँ पर दुनिया जहान के बहुत सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, झोला भर भर के लोग मोबाइल फ़ोन लाते हैं ठीक कराने के लिए, उनको हम लोग रिपेयर करते हैं, हमारे सीखे हुए स्टूडेंट होते हैं उनको रिपेयर करते हैं, तो इससे उनको हाथ साफ करने का मौका मिलता है। दूसरी बात क्या होता है, क्लास में पढ़ते हैं तो उनको चालू मोबाइल फ़ोन में काम करने को मिलता है। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन ठीक होने के लिए आया था, MI का 4A मोबाइल फ़ोन था, एक लोग थे भैया वो मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए आए थे, उनके मोबाइल फ़ोन में ये प्रॉब्लम थी कि उनके मोबाइल फ़ोन में टच नहीं काम कर रहा था। जब टच नहीं काम कर रहा था हमने कहा ठीक है भैया टच बदल जाएगा, उन्होंने बोला इसका कितना पैसा लगेगा, तो हमने बोला कि इसका 120 रुपये का टच आएगा, तो 120 रुपये का टच बच्चे लोग मार्केट से लाए, लाने के बाद उसका हमने प्रॉपर उस मोबाइल फ़ोन को, हमारे स्टूडेंट उनको शायद 2-3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया क्लास करते करते, शाहरुख जी हैं जो बरेली के रहने वाले हैं वो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, चुंठा राम है या वो झारखंड के रहने वाले हैं, आदित्य हैं या अहमद है, अहमद जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अहमद जी हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पहले कहीं ट्रेनिंग लेते थे, उनको शायद 15-20 दिन हो गया क्लास करते करते, उन्होंने अपना 5,000-10,000 रुपये कुछ फीस भी जमा कर दिया, उसके बावजूद भी नहीं सीख पाए, फिर सोचे कि सर हमारा समय वेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने 2 दिन का यहाँ पर क्लास लिया। क्लास लेने के बाद उनको बड़ा अच्छा लगा कि सर मैं आपको बताऊँ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे लगा कि अब मैं यहाँ पर सीख सकता हूँ, तो उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया और आज ही उन्होंने शायद 2 दिन क्लास करने के बाद आज उन्होंने अपना पेमेंट जमा किया, पेमेंट जमा करने के बाद क्लास स्टार्ट कराई, क्लास स्टार्ट हुई उनकी, फिर सब लोग हम बैच में बैठे थे, मोबाइल फ़ोन आया ठीक होने के लिए, हमने मोबाइल फ़ोन लिया और सभी बच्चों के सामने एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने मोबाइल फ़ोन रिपेयर करके दिया और जो कस्टमर थे वो भी देखते रहे, हमारे जितने भी सारे 8, 10, 15, 20 बच्चे थे वो लोगों ने भी मोबाइल फ़ोन को देखा कि कैसे सर मोबाइल फ़ोन ठीक कर रहे हैं, हम उनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मोबाइल फ़ोन खोला जाएगा, पहले सिम ट्रे कैसे निकाली जाएगी, हाउसिंग कैसे खोली जाएगी, कैसे कॉम्बो को फ्रेम से बाहर निकाला जाएगा, वो बहुत टूटा फूटा मोबाइल फ़ोन था उसको सेफ्टी प्रोटेक्शन के साथ में कैसे ओपन किया जाएगा। तो मेरे पास जो शाहरुख जी जो बरेली के रहने वाले थे वो कहते सर मैं मोबाइल फ़ोन में ग्लास तो चेंज करता था लेकिन ग्लास चेंज करते समय हमसे फ़ोन को जब फ्रेम से निकालते थे ना तो फ़ोन को फ्रेम से निकालने में मैं उसका कबाड़ा कर देता था,
वैसे ही मोबाइल फोन को खराब कर देता था। उन्होंने बोला कि सर आपने जो मोबाइल फोन को निकाला ना तो इतना आसान तरीके से निकाला, और जो आपने गुल रिमूवर को साइड साइड में हल्के से डाल करके मोबाइल फोन को खोला, तो ये मुझे बड़ा ट्रिक अच्छा लगा, कि मुझे लगता है कि शायद मैं ये नहीं करता था, इस कारण से मैं जितने भी मोबाइल फोन खोलता था तो मोबाइल फोन को खोलने में ही डेड कर दे, मतलब तो काम वो तोड़ देता था, काम वो खराब कर देता। तो काम वो ही खराब हो गया तो ग्लास डालने की बात ही नहीं है भाई। जब आपके पास कोई भी फोन बनने के लिए आया, उस मोबाइल फोन में जब आप ग्लास चेंज करना चाहते हो, टच बदलना चाहते हो, तो उस काम्बो को आपको फ्रेम से बाहर निकालना पड़ेगा। जब फ्रेम से बाहर निकालेंगे तो फ्रेम से बाहर निकालने के बाद फिर आप उसको तभी तो कटिंग कर पाएंगे ना। तो आप फ्रेम से जहां बाहर निकालने, वैसे तो बहुत सारे फ़ोन होते हैं स्टूडेंट बिना फ्रेम के निकाले ही कटिंग कर लेते हैं, लेकिन उसको मोस्टली पहली तरफ प्रेफर करते हैं कि हम फ्रेम को आसानी से बाहर निकालें, लेकिन आसानी से बाहर निकालने में ख़राब हो जाता है। तो जब बाहर निकालने में ख़राब हो जाता है तो मैंने जब उसको निकाल के बताया और कटिंग करके बताया, उसमें एक स्पॉट भी आ गया था, एक दो स्पॉट भी आ गए, तो हमने बोला कि स्पॉट आ जाते हैं तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब हम लोग इसको बबल रिमोट में डालेंगे तो ये हमारे निकल भी जाएंगे। तो कहते अच्छा सर ऐसा भी होता है, वह हम तो लोग तो इसको फेंक देते थे, कहते अरे नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर कस्टमर को मैंने बोला देखो भाई ये स्पॉट है, ये जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ 90% चला जाएगा। कहते चलो ठीक है सर करो। हमने उसको ग्लास उतारा, साफ किया, टच पूरा प्रॉपर अच्छे से पंचिंग करी, पंचिंग करने के बाद काम्बो को फिट किया और रिजल्ट अच्छा निकला पॉजिटिव कि मोबाइल फ़ोन फर्स्ट क्लास चलने लगा, उसमें स्पॉट नहीं था, बढ़िया से फ़ोन चलने लगा। तो जितने भी सारे बैच के बच्चे थे वो लोग भी खुश हुए, उन्होंने बोला कि सर क्या हम लोग भी इसी तरीके से काम कर पाएंगे। तो मैंने उनको उनसे एक महीने पहले स्टूडेंट जो सीखा हुआ बच्चा था मैंने उसको मिलवाया, तो उसने कॉन्फिडेंस के साथ में बोला अरे सर ये क्या मैं इससे भी डैमेज फ़ोन होगा तब भी उसको रिपेयर कर दूंगा। तो वही बात आती है कि यहाँ पर जितने भी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो सारे स्टूडेंट सीखते हैं, पूरा ट्रेनिंग लेते हैं, पूरा फुल डे क्लास करते हैं। जो मार्केट से मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आते हैं तो ऐसे एक एक मोबाइल फ़ोन लेकर के हम क्लास में किस से स्टडी करते हैं, उन मोबाइल फ़ोन को स्टूडेंट को बना करके दिखाते हैं कि देखिए कोई भी आपके पास कोई कस्टमर मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए आएगा तो उसका क्या चार्जेस होगा, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन को बनाया जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, सब कुछ मैंने पूरा प्रॉपरली उनको बताया। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, कह रहे कि सर मैं 2-3 दिन क्लास करते करते होगा, एक दिन तो मैंने क्लास करी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन 2-3 दिन हो गए जब मुझे क्लास करते करते तो मुझे सजे अब मुझे खुद दिल से बड़ा सुकून लगता है कि नहीं मैं अब 100% सीख करके ही जाऊँगा। तो ऐसा मैंने सर इसलिए ताकि आप ही लोग जब इतना दूर से सीखने के लिए आते हैं तो हमारा सर जी सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि आप लोग अच्छे से सीख करके जाएं और आप लगे के लिए बहुत अच्छा रहता है, अच्छी तरीके से अपना बिजनेस सफलतापूर्वक बिजनेस करें और आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी मैं आगे आपको एक और वीडियो दूंगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और कहना चाहता हूं कि एक हमारे राजीव जी हैं जो डिफेंस की तैयारी करते थे और उनको लाइफ में कुछ ऐसा नहीं मौका मिल पाया तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखा। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का टोटली अपना सारा सामान बुक किया, सारा सामान हम लोग हमसे मंगाया हुआ है, सारा दिल्ली से सामान उनका आ चुका हुआ है, दुकान भी उनकी रेडी है, बस खाली उनको शॉप ओपन करना है, शायद कल परसों में आएंगे और अपना टोटल सारा सामान लेके जाएंगे। हम जो भी स्टूडेंट जो हमारे पास सामान लेने के लिए आते हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा बिजनेस करना चाहते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं, सिखाते हैं कि कैसे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का बिजनेस किया जाएगा, क्या सामान की आवश्यकता रखती है, क्या टूल्स लगते हैं, क्या जरूरत लगती है और बिजनेस करने का तरीका क्या है, किस सिस्टम से आप लोग काम करेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या टूल्स। हम लोग क्लास में एक से लेकर जेड तक सारे टूल्स रखते हैं। जब आप ट्रेनिंग लेकर कल को इन फ्यूचर अपना काम करते हैं तो जिन टूल्सों से आप सीखते हैं तो उन्हीं टूल्सों के लिए हम आपको प्रेफर भी करते हैं कि देखिए भाई ये टूल्स अच्छा है, ये इसमें ये क्वालिटी डाउन है, ये बेहतर है, तो आप उन लोगों को परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद अपना सफलतापूर्वक बिजनेस करते हैं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज क्लास में बच्चे लोग सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, इनका क्या तरीका है। अगर आप भी इनमें अगर एक होना चाहते हैं तो आप भी हमारे नीचे हुए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और पूरे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं, ए से लेकर जेड तक। और एक बात के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर उतना दूर से मेरे पर ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो मैं एक बात की गारंटी है कि मैं आपको 100% सिखा के ही भेजूंगा, क्योंकि इस लाइन का मैं खुद प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, मुझे 17-18 साल हो गए इस लाइन में सिखाते सिखाते। जब आप लोग आएंगे तो मुझे हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है, हमारे पास टीम है जो आप लोगों को पूरा सीखने सिखाने में मदद करती है,
फुल डे पूरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है। जब आप आएंगे तो 100% तरीके से उसको सीख करके ही जाएंगे। और सीखने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और आज की जो वीडियो में मैंने आपको मेडिकल थंडर के बारे में आपको समझाया, ये आपको वीडियो में समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती तो आप हमारे नीचे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर हम आपको इतना समय दे करके अगर आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो इतना हेल्पफुल वीडियो बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे काम किया जाएगा, कैसे काम सीखा जाएगा और मोबाइल फ़ोन की जो रिपेयरिंग की प्रॉब्लम आती हैं उनको कैसे ठीक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ, तो आप भी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर हम आपकी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मदद करते हैं तो आप भी हमारी जाने अनजाने में मदद करिए और वीडियो को शेयर करिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.